अब लीची के पेड़ों की कटाई छटाई मशीनों के द्वारा होगी और इसमें समय की बचत होगी, मजदूरों का लागत भी बच सकेगा और इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के मतलूपुर से की गई है। इजराइल से आया प्रूनिंग कम हार्वेस्टिंग मशीन जी, जो पौधे के ऊंचे से ऊंचे डाली को काट सकती है जी और हार्वेस्टिंग भी करती है। पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के लीची बगान में हम मौजूद हैं और यहाँ मशीन से कटाई छटाई का यह तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मशीन के द्वारा लीची की कटाई छटाई होगी और बजावता आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसी मशीन के द्वारा अब लीची की तुराई भी होगी। लीची की तुराई जो जहाँ हमको सीढ़ी लगा कर भी जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ इसके हाइड्रोलिक सिस्टम से पहुँच करके और चारों तरफ का हम लीची तोड़ ले सकते हैं। तुराई का लिए सबसे बड़ी समस्या जो होता है लीची का तोड़ने में, दांत तोड़ देता है, हाथ से काट देता है तो उससे लीची क्वालिटी खराब हो जाता है। इससे क्या है, एकदम जहाँ लीची रहेगा वहीं पर इसको तोड़ लेगा, तोड़ने का जरूरत नहीं है, बस मशीन ने उसको तोड़ लिया, झोला में गिर गया और फिर आ गया यहाँ और फिर कुल चैम्बर में। लेकिन लीची की तुराई कब होगी यह तो आने वाले वक्त में जब हम इसको देखेंगे, हमारा कैमरा जब देखेगा तो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल पेड़ों की छटाई और कटाई कैसे होती है, लीची के पेड़ों का जीर्णोद्धार कैसे होता है इसे हम तस्वीर में हम आपको दिखा पा रहे हैं। दो साल पहले इसको हम लोग छटाई करा के गए थे, इस बार इसमें आ गया है फल, बहुत बढ़िया साइज लेके आया। इसमें काफी समय लगा होगा, इसमें तो लेबर से कटवाए थे, इसमें तो काफी छह दिन में इतना कटाया, श्रम बहुत कम लग रहा है, समय बहुत, 5 मिनट में एक पेयर फिनिशिंग हो जाता है, ऐसे एक पेयर में 300-350 रुपया लग जाता था, ऐसे में 125 में एक पेयर कम्प्लीट हो जाता है। कौन सा गांव हुआ? मतलूपुर पंचायत। किन का लीची बगान है? त्रिवेदी जी का। आपका क्या नाम हुआ? ब्रजनंदन सिंह। यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लीची उद्यान विभाग के सीनियर एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ होगा, मशीन से क्या क्या बेनिफिट है। जी जैसे हाथ से काटते हैं तो इतना सफाई बढ़िया से नहीं होगा, फल उधर जाता है या कुछ उधर है, ये इतना बढ़िया साफ से कर देता है जी। तो साफ हो गया उस पर फिर दवा लगा दीजिए तो जो जिससे कीड़ा मकोड़ा का नया असर हो तो एक तो जल्दी होगा, साफ होता है और कटाई बहुत बढ़िया से सुंदर हो रही है, यही इसके एडवांटेज है, समय कम लेता है, बस ज़्यादा समय नहीं लेता है और क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। बताना है किसानों का कि यह मशीन साल 2013 में विदेश से आयात किया गया था, भारत की सरकार ने इसको आयात किया था कि किसानों की बेहतरी हो और लीची जो उत्पादक किसान है उनको आसानी हो सके, बेहतर उत्पादन में बल मिल सके, लेकिन यह मशीन आया और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैशाली केवीकी में पड़ा रहा, केवीके वैशाली में पड़ा रहने के बाद इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा था, फिर लीची उत्पादक किसान जगे और इनके पहल पर आखिरकार यह मशीन उपलब्ध करा दी गई, लेकिन फिलहाल देर हो चुका है। कहाँ से मशीन आया है? इजराइल से वर्ष 2013 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने इसको खरीद कर मंगवाया और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को यूज एंड पे सिस्टम पर चलान कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु दिया गया। क्या फायदा होता है इससे? इसमें फायदा होता है कि जैसे कोई भी कटाई छटाई हमको मैनुअली कराना पड़ता था, हाथ से कराना पड़ता था, तो उससे बहुत समय और ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता था, ये मशीन से होने पर उसका खर्च चौथाई से भी कम लग रहा था। इसलिए क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बच्चा प्रसाद सिंह हुआ, मैं बिहार लीची उत्पादक संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारे लीची संघ के जो संगठन के बच्चा बाबू जो अध्यक्ष हैं उनके पाल पर और हमारे गार्जियन पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के मार्गदर्शन और पहल पर जो है तकनीक लीची घना लीची बगीचा का तकनीकी ढंग से मशीन के द्वारा कटिंग करके अधिक से अधिक लीची का उत्पादन कम समय में कम लागत में कम पूंजी में जिससे किसानों से बेहतर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, समय की भी बचत होती है, मशीन ये कम समय में कम लागत में मशीन से इससे जल्दी से कटिंग हो रहा है और किसान का इससे आर्थिक
स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और देश इससे बहुत अच्छा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार की बेटी है। जी। और इसमें एक बार बहुत पहले की बात है, आज से हम सुनते हैं 15-20 साल पहले शायद, उसको एक पेड़ को रिजुविनेशन का जब आया ना, और कैनोपी मैनेजमेंट की बात, जी। तो कोई लोग एक्चुअली किसान कोई पेड़ को काटने के लिए, दार काटने के लिए नॉर्मली तैयार नहीं होता है, जी। जो लोग वो लगता है इसको कैसे काटे, इसमें पेड़ पर फल लगेगा, तो हुआ कि कौन करेगा, तो हमका हम करेंगे। तो इसी पर यहाँ पर एक सेमिनार हुआ बहुत बड़ा, और इसी क्षेत्र में हम लोग उस वक्त लोहार से, बरही से, जम से मिलकर के आए थे, और बहुत टाइम लगा था, तो भी लगा, लेकिन बहुत बढ़िया से हुआ। और इस मशीन से आज पहली बार हो रहा है, इस तरह मशीन से पहली बार हो रहा है। इनका जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, जी, के जो कृषि ग्रोह से एसोसिएशन थे, जी, इनका प्रयास से और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से, और भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसमें बहुत अच्छा से सक्रिय रूप से परचेस करके हम लोग कर रहे हैं, और इसका लाभ हम अपने यहाँ तो करेंगे ही, दूसरे किसानों को भी बता रहे हैं, उसको उनको ही पहुँचाएंगे, और अभी जो होगा होगा इसका आम में भी हम लोग करेंगे, दूसरे फलों में भी जो काम करना है। किसानों का मांगना है, किसानों का बताना है, किसानों का डिमांड है कि यह मशीन जून के महीने में अगर पूरे एक महीने के लिए उपलब्ध करा दी जाए तो शायद बिहार के ज्यादातर लीची बागानों का जीर्णोद्धार संभव है, और इससे उत्पादन का जो क्षमता है बिहार में दोगुना हो सकता है। दीपक कुमार तिवारी, A2Z News Live, मुजफ्फरपुर, बिहार।